स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने पहले बता ही दिया था कि मेरा नाम अभिनव अवस्थी है और मैं नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा अलवर में भौतिकी विज्ञान के एक लेक्चरर या जैसे हम कहते हैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ और आज हम आपको फिजिक्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई उन सभी को जिन्होंने अच्छे प्राप्तांकों से अपनी कक्षा दसम को पास किया है और वो अपनी अगली कक्षा में प्रवेश लेंगे। तो देखो बच्चों, आज हम हमारी कक्षा 11वीं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 11वीं की भी हम भौतिक विज्ञान के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको पढ़ने से पहले हमें यह समझना होता है कि यह होती क्या चीज है। तो देखो बेटा, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड को पास किया है, ठीक है? तो 10th स्टैंडर्ड में आपने एक बुक आती है विज्ञान, जिसे हम कहते हैं साइंस की बुक आती है ना आप लोगों के, उसमें क्या होता है बेटा, छोटा छोटा सा पार्ट सभी सब्जेक्टों का दिया हुआ होता है। कुछ पार्ट में आपके फिजिक्स दी हुई होती है, कुछ पार्ट आपके केमिस्ट्री के भी होते हैं, कुछ पार्ट आपके बायोलॉजी के भी होते हैं, जिसमें भी कॉम्बिनेशन होता है बॉटनी का और जूलॉजी का। कुछ चैप्टर पादपों से रिलेटेड होते हैं तो कुछ जीव जंतुओं से रिलेटेड होते हैं। तो वो क्या होता है बेटा, कॉम्बो होता है, यानी कि छोटा छोटा सा पार्ट सभी का दिया हुआ होता है। ठीक है, तो लोअर स्टैंडर्ड तक आपने सभी को मिश्रित रूप में पढ़ा है। ठीक है, अब आपने कक्षा दसम को पास कर लिया है और आप कक्षा एकादशम में प्रवेश कर रहे हैं और वो भी उसके विज्ञान वर्ग में। ठीक है, तो बेटा जैसे ही हम कक्षा 11वीं में प्रवेश करते हैं तो आपको मैं थोड़ा सा सबसे पहले सब्जेक्ट के विवरण के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। जैसे ही आप कक्षा 11वीं में प्रवेश करते हैं और कक्षा 11वीं के भी अगर हम बात करते हैं विज्ञान वर्ग की, किसकी बात करें बेटा, विज्ञान वर्ग की, तो देखो क्या होता है, बहुत से बच्चे 10th पास करने के बाद कोई आर्ट्स लेता है जिसे हम कला कहते हैं, कोई कॉमर्स लेता है, ठीक है ना, कोई साइंस लेता है, तो हम साइंस के लोग हैं तो हम साइंस की बात करेंगे, तो हम बात करते हैं बेटा विज्ञान वर्ग की। तो बेटा यहां पर विज्ञान वर्ग की दो शाखाएं हैं। आप जब कक्षा 11वीं में प्रवेश लेंगे तो विज्ञान वर्ग की, अगर आप विज्ञान वर्ग में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसमें एडमिशन दो प्रकार से होगा। कैसे? एक तरफ होता है आपका गणित विभाग, जैसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, और एक तरफ होता है बेटा आपका बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, एक मैथमेटिक्स हो गया और एक हो गया बायोलॉजी। ठीक है, अब इनके भी आपको आगे आगे क्या पढ़ना है, तो देखो बेटा दो सब्जेक्ट होते हैं, पहला होता है बेटा फिजिक्स, जैसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो देखो बेटा, इसमें हम बता रहे थे कि इसके भी दो सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स जिसे हम कहते हैं भौतिकी विज्ञान और दूसरा होता है बेटा केमिस्ट्री। जैसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। तो अगर आप गणित ले रहे हैं तब भी आपको दोनों सब्जेक्ट तो लेने ही हैं, अगर आप बायोलॉजी ले रहे हैं तब भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं ही, चाहे आप मैथ ले लीजिएगा या फिर आप बायोलॉजी। मैथ लेंगे तो आपको बायो नहीं पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी लेंगे तो आपको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने मैथ लिया तो ये दोनों तो आपको पढ़ने पड़ेंगे मैथ के साथ, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी तो पढ़नी है लेकिन उसके साथ ये दोनों पढ़ने ही पड़ेंगे, यानी कि दोनों कंपलसरी है। तो बेटा इन सभी में से अपन किसको पढ़ाते हैं, अपन पढ़ाते हैं फिजिक्स को। तो गुरुजी चाहे बायोलॉजी ले लूँ मैं या मैथ ले लूँ, तुमसे तो माथा फोड़ी मुको करनी पड़ेगी क्योंकि तुम तो दोनों में पढ़ाओगा साहब,
तो फिजिक्स तो हमको पढ़ी नहीं पढ़नी है। अरे बस समझ में। तो ये हो गया बेटा आपके सब्जेक्टों का वर्णन जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 11th की साइंस डिपार्टमेंट में अगर आप प्रवेश लेने के लिए इच्छुक हैं तो बेटा इसके भी दो होते हैं, एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट होता है, एक बायोलॉजी, ठीक है। उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कंपलसरी होता है, वो तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप मैथ लेते हैं तो आपकी बायो हट जाएगी, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपकी मैथ हट जाएगी, ठीक है। अब बाकी के जो बहुत स्कोप है कि साहब धंधे बंदों का बढ़िया मिले, बायोलॉजी वाले को बढ़िया मिले, मैथ वाले को मिले, तो बेटा ये गलतफहमी है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो शिक्षा हमें हर जगह आगे प्रोत्साहित करेगी, धंधा हर डिपार्टमेंट में है। तो ये नहीं है कि साहब मैथ में रुपया ज़्यादा मिले, बायोलॉजी में कम मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो पढ़िए, आपको आगे जितना आप शिक्षा ग्रहण करेंगे शिक्षा आपको कभी भी भूखा नहीं मारेगी, ठीक है। तो बेटा आज ये हमारी पहली क्लास है, पहली क्लास में हम आज आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कराएंगे कि वास्तविकता में फिजिक्स होती क्या है। तो इस प्रथम कक्षा में हम बात करेंगे आज भौतिकी विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब जैसे भाई देखो हमारे घर में कोई भी नया कैंडिडेट आता है तो हम सबसे पहले वासु पूछे कि ना पूछे, भाई तेरा कौन सा काम है, तेरा का नाम है, खांसू आयो काई काम है, जब तो अपन कोई बातचीत आगे बढ़ाएं वासु। तो ये भौतिकी विज्ञान नामक भाई साहब हमारे लिए नए कैंडिडेट हैं, तो हमें सबसे पहले इनके बारे में जानना है कि हु इज फिजिक्स, फिजिक्स कौन है, भौतिकी विज्ञान कौन है, या व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान क्या है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने भौतिकी विज्ञान से पूछा कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, सॉरी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान हम किसे कहते हैं, अरे बस समझ में। तो हमने पूछा भाई तू कौन है, हमने पूछा इससे कि तू कौन है, तो ये बताता है भौतिकी विज्ञान। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, फिजिक्स को पढ़ने के लिए आप केवल दो चीजों को याद रखें, केवल दो चीजें। फिजिक्स हमसे केवल दो बात कहती है कि आप फिजिक्स से रिलेटेड जिस किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक की, यानी कि भौतिकी विज्ञान से संबंधित आप जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं उस टॉपिक की सबसे पहले आपको क्या नहीं चाहिए, परिभाषा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आप उसकी क्या लेंगे बेटा, जानकारी, जिसे हम बोलते हैं नॉलेज, क्या लेंगे, जानकारी। तो भौतिक विज्ञान हमसे केवल दो ही बातें कह रही है, क्या कह रही है, केवल दो बातें, आप इन दो ही चीजों को याद रखें, कभी रुकोगे नहीं फिजिक्स। भौतिक विज्ञान हमसे कहती है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक की सबसे पहले तो क्या जान लीजिएगा, परिभाषा, और परिभाषा को जानने के बाद आपको क्या लेनी है, उसकी जानकारी, बस काम यही खत्म हो जाता है, ठीक है। ठीक है साहब, अब साहब खुद भौतिक विज्ञान हमसे आ रखी है ये बात, तो हमको फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे काम चलेगा, हैं, ठीक है भाई। तो हमने कहा कि भाई भौतिक विज्ञान ने हमसे कहा कि आप जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो सबसे पहले आप उसकी परिभाषा जानिए, फिर आप उसकी क्या लीजिए, जानकारी। भाई एक बात बताओ, हमको तो तू ही अजनबी सो दिख रहो, तू कौन है, सबसे पहले तू बता। तो सबसे पहले हमारे लिए तो भौतिक विज्ञान अजीब चीज है ना, तो हम सबसे पहले तो किसके बारे में जानकारी लेंगे, भौतिक विज्ञान के बारे में लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं या भौतिकी विज्ञान की परिभाषा क्या है, ठीक है। अब आप जैसे सभी साइंस के स्टूडेंट हैं और आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, आपके घरों में छोटे बड़े बहन भाई हैं, अगर आपने उनसे उन्होंने आपसे पूछ लिया कि बता तू भाई साइंस का स्टूडेंट है, तूने फिजिक्स पढ़ा था, आप बोल पढ़ता हूं, तो बता फिजिक्स की परिभाषा क्या है, भौतिकी विज्ञान कहते किसे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, आप जवाब दोगे कि सर हमारे गुरुजी ने हमें बताया था कि भौतिकी विज्ञान, ढंग से सुनिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूं, भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम इस प्रकृति में उपस्थित सूक्ष्म से सूक्ष्म राशि से लेकर बड़ी से बड़ी राशि के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब चाहे वो राशि सजीव हो या फिर वो राशि कैसी हो, निर्जीव हो, ठीक है। हाँ तो बेटा अभी हमने परिभाषा बताई आपको भौतिकी विज्ञान की परिभाषा, एक बार मैं उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ तो आप वापस से सुन लीजिएगा। भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत हम इस प्रकृति, प्रकृति का मतलब हम हमारी खुली आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ उपस्थित है, ठीक है, हम इस प्रकृति में उपस्थित सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटी से छोटी राशि से लेकर बड़ी से बड़ी राशि के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब हम जिस राशि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो राशि सजीव हो या फिर वो कैसी हो, निर्जीव हो, ठीक है, दोनों ही इसमें सम्मिलित होती है, ठीक है ना। विज्ञान की यह शाखा क्या कहलाती है, भौतिकी विज्ञान कहलाती है। गुरु जी एक छोटा सा डेमो देकर बताऊं ना, परिभाषा पर आधारित, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी खुली आंखों से जो देख रहे हो, तो मान लीजिए आप कहीं पर भी बैठे हो, जैसे कि मैं अब इस कमरे में हूं, इस कमरे में बोर्ड भी है, दीवार भी है, फैंस भी हैं, एक्स वाई जेड किवाड़, खिड़की, अटरम सटरम दुनिया भर के सामान है, सबके अंदर फिजिक्स मौजूद है, मेरे अंदर भी फिजिक्स मौजूद है, आप सभी के अंदर फिजिक्स मौजूद है, यानी कि आप जो कुछ भी आंखों से देख रहे हो सबके अंदर फिजिक्स मौजूद है। अच्छा गुरु जी, और हाँ सबके अंदर फिजिक्स मौजूद है, और कैसे है वो हम बताएंगे। जैसे कि मेरा नाम अभिनव अवस्थी है, तो हमने परिभाषा क्या पढ़ी कि भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम इस प्रकृति में उपस्थित सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटी से छोटी राशि से लेकर बड़ी से बड़ी राशि के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन। अब चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, मैंने अभी आपसे कहा कही कि आप अपनी खुली आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो सबके अंदर फिजिक्स मौजूद है, तो चाहे वो वस्तु सजीव है या फिर कैसी है, निर्जीव। अब मैं कौन हूं, मैं सजीव हूं ना, इंसान हूं तो मैं सजीव हूं, ठीक है, तो मेरे बारे में आपने कैसे जानकारी ली। अब देखो परिभाषा से आधारित आपको उदाहरण दे रहा हूं, मेरा नाम अभिनव अवस्थी है, मैं भौतिकी विज्ञान पढ़ाता हूं, आ रही बात समझ में, लेकिन फर्क यह होना चाहिए कि वो वस्तु चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन आप जिस वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं उस वस्तु का अस्तित्व इस प्रकृति में होना जरूरी होता है। ऐसा ना है कि साहब जाको अस्तित्व ना है और तुम वाको अध्ययन कर रहे हो, आ रही बात समझ में, कि भाई कैसे, कि जैसे कि मेरा नाम अभिनव अवस्थी है, मेरी हाइट इतनी है 5'4", ठीक है ना। अब हो सके मैंने ना पिना है, 1 इंच कम भी हो सके, ठीक है। मैंने साहब ब्लू कलर की और वाइट मिक्स कलर की ड्रेस पहन रखी, शर्ट पहन रखी है, मैंने सिर्फ ब्लैक कलर का जींस पहन रखा है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, यानी कि आपने देखा कि एक अभिनव अवस्थी नाम का जीव है जिसकी हाइट इतनी है, उसका कलर ऐसा है, उसने इतने कलर के कपड़े पहन रखे थे, वो हमें भौतिकी विज्ञान पढ़ाता है, दैट मीन्स मेरा अस्तित्व इस प्रकृति में मौजूद है क्या, नहीं, मैं जिंदा हूं तो मेरा अस्तित्व है, तो आपने इतनी सारी जानकारियां प्राप्त कर ली। अगर मेरा अस्तित्व नहीं होता तो क्या आप बता सकते थे कि अभिनव अवस्थी कौन है, नहीं पता चलता ना। तो शर्त एक होती है, क्या शर्त होती है, कि आप भौतिकी विज्ञान के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म राशि से लेकर बड़ी से बड़ी राशि का अध्ययन करते हैं, ठीक है, चाहे वो राशि सजीव हो या निर्जीव हो, पर एक ही शर्त होती है कि आप जिस राशि का अध्ययन कर रहे हैं उस राशि का इस प्रकृति में क्या होना जरूरी है बेटा, अस्तित्व का होना जरूरी होता है। दैट्स क्लियर। तो बेटा ये हो गई हमारी परिभाषा भौतिकी विज्ञान की, ठीक है। तो हमारी भौतिकी विज्ञान हमसे क्या कहती है कि आप जिस टॉपिक को भी पढ़ रहे हो सबसे पहले उसकी परिभाषा जान लीजिए, उसके बाद उसकी क्या लीजिए आप, जानकारी। तो हम भौतिकी विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे तो भौतिकी विज्ञान की परिभाषा हमने जान ही ली, अब हम इसकी क्या लेंगे, जानकारी। अब जानकारी के लिए बेटा भौतिकी विज्ञान तो एक बहुत विशाल भंडार है, आ रही बात समझ, हम चाहे कई सारे जन्म ले लें तो भौतिकी खत्म ना हो। तो अब हम बात करते हैं जानकारी की, तो अब हम हमारे कक्षा 11वीं से रिलेटेड भौतिकी विज्ञान का जो सिलेबस है उसकी जानकारियां अब हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये तो बेटा मैंने आपको नॉर्मल सा मेरा खुद का और मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ उसका आपको इंट्रोडक्शन दिया है, केवल आपको परिभाषाएं बताई हैं, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे जानकारी की हम बात। देखिए बेटा भौतिकी विज्ञान में अगर आपको महारत हासिल करनी है या आपको इंटेलिजेंसी लेकर आनी है तो आपको अपना मैथमेटिकल पोर्शन मजबूत बनाना पड़ेगा, आ रही बात समझ में, क्या मजबूत बनाना पड़ेगा, मैथमेटिकल पोर्शन, ठीक है। जैसे कि आपने 10वीं क्लास में पढ़े होंगे एलजेब्रा पढ़ा होगा आपने, द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, धराचार्य आपने पढ़ा होगा, आ रही बात समझ में, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो ये सारे फंक्शंस हमको आने जरूरी है, यानी कि
फिजिक्स का और मैथ का एक भाई बहन का सा रिश्ता है। अगर आपका मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा है तो आपकी फिजिक्स बिना कहे मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो भौतिकी विज्ञान को पढ़ने से पहले जब हम इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन जानते हैं तो हमें सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि फिजिक्स की पहली सीढ़ी ही मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। आ रही बात समझ में? अगर हमें ये नहीं आते तो हम फिजिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। देखो बेटा, यूं तो भौतिकी में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो यूज़ में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आते हैं वो हमारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, तो वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवकलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। किसके बारे में पढ़ते हैं? अवकलन, ठीक है। नंबर दो, अवकलन के बाद हम पढ़ेंगे बेटा समाकलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? समाकलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो नंबर वन अवकलन, नंबर दो समाकलन, नंबर तीन त्रिकोणमिति फलन। या नंबर तीन पर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, जो आपने टेंथ स्टैंडर्ड में खूब पढ़ी है। अब उससे भी थोड़े अप कैटेगरी के जो फंक्शंस हैं, जो सूत्र हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, त्रिकोणमिति। चौथा बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन, जैसे कि आपने पढ़े होंगे धराचार्य, द्विघात समीकरण, ठीक है ना, त्रिघातीय समीकरण, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो वो सारे सूत्र हैं, वो बीजगणित फलन के अंदर आते हैं। और लास्ट एंड फाइनल हम पढ़ेंगे इसमें द्विपद प्रमेय के बारे में, जो कि मोस्टली यूज में आती है। द्विपद प्रमेय, जिसे हम बोलते हैं बाइनोमल थ्योरम। क्या बोलते हैं? बाइनोमल थ्योरम। तो बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको फिजिक्स की मूलभूत जानकारी लेनी है या आपको फिजिक्स में एक ट्रेंड मास्टर बनना है, तो आपको बेटा सबसे पहले इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि 11th क्लास की फिजिक्स की शुरुआत ही इन पांच चीजों से होती है। आ रही बात समझ में? तो ये मैथमेटिकल टूल्स हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? अवकलन के बारे में। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? समाकलन के बारे में। समाकलन के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बीजगणितीय फलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय। ये पांच चीजें हैं। इन पांचों चीजों के बारे में हमें बारीकी से अध्ययन करना होता है। आ रही बात समझ में? तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अवकलन। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अवकलन को, कि अवकलन क्या चीज होता है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, आपको मैं बता देता हूं, आप जिस राशि का अवकलन कर रहे हो, नजर बोर्ड पर होंगी सभी की और ध्यान देंगे, आप बेटा जिस राशि का अवकलन कर रहे हो ना, उसके आगे आपको क्या लगा देना है? स्मॉल डी लगा देना, यानी कि अवकलन की पहचान होती है, ठीक है। आप जिस राशि का अवकलन कर रहे हो, आप उसके आगे क्या लगा दोगे? डी लगा दोगे। तो आपको जिस फलन का आगे डी लगा हुआ मिल जाए, आप समझ लीजिएगा आप इसका क्या करना है बेटा? अवकलन करना है, ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण देके समझा दूँ। नंबर एक, जैसे कि किसी ने मुझसे कहा कि राम का अवकलन, राम का अवकलन, तो आप इसको कैसे लिखोगे बेटा? अवकलन कर रहे हैं तो आगे क्या लग जाएगा? डी। अवकलन कर किसका रहे हो? राम के साथ, सॉरी, अवकलन कर किसका रहे हो? राम का। तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि राम कोई राशि है, उसका आगे क्या लग रहा है? डी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि राम का क्या हो रहा है? अवकलन। आ रही बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात, अवकलन हमेशा किसी अन्य के सापेक्ष होता है, अपने आप में अवकलन नहीं होता। जैसे कि मैं कहूं अभिनव हूं तो मेरा अवकलन करो, तो मैं अपने आप मेरा अवकलन नहीं कर सकता। मेरा अवकलन करने के लिए किसी अन्य राशि की भी आवश्यकता पड़ती है। एक चीज क्लियर हो गई सभी के दिमाग में कि कोई भी राशि अपने आप का स्वयं अवकलन नहीं कर सकती,
उसका अवकलन किसी अन्य वस्तु के ही या किसी अन्य राशि के ही सापेक्ष होगा। अरे बात समझ, हो सकता है वो दूरी के सापेक्ष हो, समय के सापेक्ष हो, अरे बात समझ में। तो हम कैसे करेंगे, तो ये तो मैंने आपको बताई है कि आप जिस राशि का अवकलन कर रहे हो तो उसके आगे आपको क्या लिखा मिलेगा, डी। मैंने उदाहरण देके बताया कि जैसे राम का अवकलन, तो आपको ये कैसे लिखा मिलेगा, डी राम। इससे आप क्या पहचान करोगे कि सर राम कोई राशि है या कोई भी फलन है, उसका क्या हो रहा है, अवकलन। अब किसके सापेक्ष हो रहा है उसको कैसे व्यक्त करोगे, तो ध्यान दीजिए, जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो मूल फलन के बटे में आ जाता है। बटे का मतलब नीचे, बटे में आता है, यानी कि जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो मूल फलन के कहां जाता है बेटा, बटे में आ जाता है। कैसे, जैसे कि किसी ने आपसे कहा एक्स का अवकलन, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, एक्स का अवकलन वाई के सापेक्ष करो, केवल आपको अभी लिखना बता रहा हूं, मैं हल करना नहीं सिखा रहा हूं, केवल पहचान बता रहा हूं। एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष करो, वाई के सापेक्ष करो, तो आपको ये कैसे लिखा हुआ मिलेगा। ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया है, आपको ऐसे हिंदी नहीं मिलेगी, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा। तो आपसे कहा है कि एक्स का अवकलन वाई के सापेक्ष करो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस राशि का अवकलन करते हैं उसका आगे क्या लिखा मिलता है, डी। तो बेटा मैं अवकलन किसका कर रहा हूं, एक्स का, क्या कर रहा हूं अवकलन, तो पहले क्या लिखूंगा, डी। भाई अवकलन कर रहा हूं किसका, एक्स का, तो अवकलन कर रहा हूं तो क्या लिख दिया मैंने, डी। कर किसका रहा हूं, एक्स का, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, एक्स। तो एक्स का अवकलन यानी कि डी एक्स। किसके सापेक्ष कर रहा हूं बेटा, वाई के सापेक्ष। तो मैंने क्या लिखा यार, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो मूल फलन के कहां जाता है बेटा, बटे में। तो बटे किसके सापेक्ष कर रहा हूं, वाई के सापेक्ष, तो बटे में हम इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई। कैसे लिखेंगे, डी वाई। अब ई लिखो मिल रहा हो तुमको, डी एक्स बटे में डी वाई। या तुम कैसे पढ़ोगे, अब या तुम पढ़ोगे कि सर एक्स का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। ठीक है, अगर मान लो कोई राशि आपको ऐसे लिखी हुई मिल गई कि डी ए बटे में डी जेड, कोई भी पूछ ले कि भाई बता आज तू, तेरे गुरु जी ने अवकलन पढ़ाया, आपका ही मतलब है, जैसे ये लिखा मिल गया डी अपॉन डी जेड, तो आप बताओगे कि सर ए का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। तो केवल मैंने आपको ये अवकलन की राशि को व्यक्त या प्रदर्शित करना सिखाया है। ठीक है, अब अवकलन करते कैसे हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा कल। अवकलन के कुछ फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन के भी हैं, वो कल फॉर्मूले भी आपको लिखाऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी राशि का अवकलन किया कैसे जाता है वो आपको अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज मैंने केवल आपको अवकलन की अगर जिस राशि का अवकलन हो रहा है तो उसको कैसे मिलेगा आपको, वो पेपर में लिखा हो कैसे मिलेगा वो सिखाया है। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।